आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुज़िश्ता 4 सालों में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, लगातार मेहनत की। किसी शायर ने कहा कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। अभी हम लोग खड़े हैं अंसार नगर कंपाउंड के अंदर। यहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले आमदार साहब और जो धुलिया शहर के मौसिजीन लोग थे, उनके हाथों से जो जैसे कि जमीयत के अहदेदार सदर हाफिज़ इब्दुर्रहमान, सवाल अमीन साहब, नगर सेवक साबिर सेठ साहब के हाथों से यहाँ पर एक पानी की टाँकी का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि ये पानी के टाँकी का जो काम शुरू किया गया है, ये आमदार के फंड से शुरू हुआ है और ये 1,27,00,000 की निधि से शुरू किया गया है। और ये आमदार साहब के जो पिछले काम है, जो तारीखी काम है, उसमें एक बहुत बड़ा तारीखी काम है कि पानी का टाँकी यहाँ पर खड़ी करना या बनवाना। क्योंकि ये जो यहाँ पर आगे जो पानी की एक टाँकी है, तो उसमें बहुत बड़ा लोड था, जिसमें मौलीगंज, मछली बाज़ार, 12 पत्थर, यानी बहुत बड़ा एरिया था उस टाँकी के ऊपर, जिसकी वजह से पानी हर किसी को मिल नहीं पाता था। पर एक दिन अगर पानी आता था तो उसके बाद 10 दिन, कभी 8 दिन बाद पानी आता था, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत परेशानियाँ होती थी पानी के मामले में। जब धुलिया शहर के जो विकास पुरुष आमदार है कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है तो इतना कभी काम मैंने तो नहीं देखा, इस उम्र में इतने काम देखने को नहीं मिले जितना काम इन्होंने किया है। तो इसलिए इनको विकास पुरुष आमदार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने शहर भर में सड़कों के जाल बिछा दिए, पुल बनाए और भी गटरें बनाई, बहुत सारे काम किए। और इसके अलावा भी बाहर के आसपास के जो उनके एरिया में नहीं आते थे, जो उनके मतदार संघ में नहीं आते थे, वहाँ भी बहुत सारे इन्होंने काम किए। तो आज इन्होंने जो यहाँ पर पानी की टाँकी बनाया है, तो यहाँ के जो इलाके के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। यहाँ पर पानी की टाँकी बनने के बाद जो आजू बाजू की जो पानी की टाँकियाँ हैं, उसका लोड कम होगा, और लोड कम होने के बाद जो आवाम में पानी की परेशानी है, जो 10 दिन और 15 दिनों के बाद या 8 दिनों के बाद पानी आता है, तो वो पानी लोगों को कम वक्तों में मिलेगा, 2 दिन 3 दिन, या हो सकता है कि 1 दिन आड़े भी लोगों को पानी मिलेगा, जैसा कि पीछे आमदार साहब ने बताया था कि बहुत जल्दी लोगों को 1 दिन आड़े पानी मिलेगा। क्योंकि ये आमदार साहब जो है, तो हाल ही में महानगर पालिका को जो दिक्कत थी कि पानी के पंप की परेशानी थी, पानी का पंप कम होने की वजह से धुलिया शहर में तापी से पानी कम आ रहा था, तो उस पंप के लिए आमदार साहब ने निधि दिए, 1,00,000 रुपया नगर पालिका को निधि दिए। तो इन्होंने धुलिया शहर की आवाम की जो तकलीफ़ है उसको समझा है, और धुलिया शहर की पानी की तकलीफ़ को समझने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। आज यहाँ पर पानी की टाँकी भी खड़ी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है धुलिया शहर वासियों के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई आमदार ने इतना काम किया है। और कुछ लोगों का कहना ये है, जो हमारे बड़े लोग हैं वो कहते हैं, जल है तो कल है, पानी है तो सब है, हरियाली है, इंसान है, जानवर है, और अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आमदार साहब ने ये काबिले 27 काम किया है। हमारा वर्जीन हुआ है, इसके ऊपर तकरीबन 4 मरतबा नारल फोड़ा गया, लेकिन ये जो इलाका है, ये जो रोड है, पूरी तरह से अकलियती इलाके से होकर गुजरता है, इसलिए उसको नजरअंदाज किया गया। साथियों, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि एक गैर सियासी प्रोग्राम है, लेकिन कुछ बातें एक अपना होने के नाते आप लोगों से गोश गुजार करना चाहूंगा। हमने पिछले कई पार्टीज में काम किया, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, लेकिन हमने एक नतीजा हासिल किया। तो ये जितनी भी पार्टीज है, आजी साहब आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, जितनी पार्टीज है, ये सब पार्टी के लोगों ने आज तक हमारे समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया है। साथियों,
इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मुसलमानों के इलाकों में नई सड़कें तामीर हो, गटरों का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, ये लोगों ने कभी नहीं चाहा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस वक्त मैं चुनकर आया, हमने सब बातों पर एक लायामल तैयार किया। मेरे भाइयों ने, मेरे नगर सेवकों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरी पूरी तरह से मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सुकून लगता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुज़िश्ता 4 सालों में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, लगातार मेहनत की। किसी शायर ने कहा कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। सामने कराम हाजी साबिर सैद साहब ने भी आप लोगों को बताया कि सरकार से, जबकि हम सरकार का हिस्सा नहीं, उसके बावजूद अपने शहर के विकास के लिए, अपने शहर के तरक्याती कामों के लिए वहां से फंड लाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो हमारे मुस्लिम कॉरपोरेटर बैठे, ये सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया। इन लोगों की भी ख्वाहिशात थी कि हमारे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हो। लेकिन एक नगर सेवकों को 10 से 15 लाख रुपए का निधि दिया जाता है। कितना है सब? 15 लाख रुपए। आप बताइए, 15 लाख रुपए में एक सड़क भी नहीं बन पाती है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से, मेरी खुशकिस्मती से इस शहर का आमदार मैं हुआ और मैंने करोड़ों रुपए की लागत से कई 100 करोड़ रुपए के काम अपने मुस्लिम इलाके में किया। उसके बावजूद जो हमारे दीगर अपनाए वतन, हमारे हिंदू भाई हमारे पास आते हैं, उनको भी हम लोग वापस नहीं करते। जो हमारे दलित भाई आते हैं, उनको भी हम लोग वापस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बताते खुशी हो रही है कि जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज की जो कुछ बस्तियां है हमारे शहर में, जैसे जो